ये हमारे अगर आपके घर में बिगड़ता है आ जाएगा ना, तो मैं इसमें डालूंगी, इसको पी रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति पुंडे रावत ब्लॉग्स। और मैं प्रीति आप सबके साथ हाजिर हूँ। और आपको वीडियो को देख के लग ही रहा हो कि मैं देहरादून पहुंच चुकी हूँ, तो यस फाइनली मैं देहरादून भी पहुंच चुकी हूँ। और जो हमारी छुट्टियाँ थी ना, वो देहरादून में वो दिल्ली में 2 हफ्ते काट ली थी इनके साथ में, तो काफ़ी वहाँ पे इंजॉय किया, मज़ा किया। तो डेली की तरह आपको पता है कि मैं आती हूँ छत में, तो छत में मैं आती कपड़े लेके नहा धो के अपना, उस टाइम मैं फ्री हो जाती हूँ उसके बाद, तो तब मैं आती हूँ। तो अभी हम नीचे चलते हैं, नीचे की प्रोसेस क्या क्या है अभी आगे देखते हैं हम। और यहाँ चल रही है तन्वी की ऑनलाइन क्लास, और तन्वी कर रही है 1 पंथ 3 काज लग रहा है मुझे, नाश्ता भी कर रही है, पढ़ाई भी चल रही है, लिखाई भी चल रही है, सब कुछ। तो आज हो गई हमारी नाली बंद, तो नाली में कुछ कूड़ा वगैरह फंस गया है, तो हमने बाहर से इनको सफाई वालों को बुलाया है, तो वो नाली को साफ कर रहे हैं ये पाइप से। तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो सुबह सुबह यही देखने को मिला। तो सो एवरीवन, अभी मैं पी रही हूँ तुलसी ड्रॉप का पानी, ये है तुलसी ड्रॉप, तो इसको मैंने थोड़ा गर्म पानी में डाल के इसको पी रही हूँ, क्योंकि क्या है कि आजकल सर्दी है, तो अब छाती वगैरह जम जाते हैं, और तुलसी ड्रॉप का जो पानी होता है वो काफ़ी अच्छा होता है अपने सेहत के लिए। तो कभी ऐसा होता है कि हम तुलसी तो सिर्फ चाय में यूज़ करते हैं निकाल के, हो जाता है, पर कभी ऐसा होता है कि यार हमको तुलसी नहीं निकाल पाए, कभी काफ़ी कुछ ज़्यादा लेडीज़ों को यार कभी नहाना नहीं है, आज ऐसा डे हो गया तुलसी नहीं छिड़ते हैं, तो इसलिए मैं ये तुलसी ड्रॉप लाई हूँ, जिसे क्या है थोड़ा गर्म पानी में डाल के इसको पीने से, इसको एक एक बूंद ज़्यादा नहीं, काफ़ी तेज़ हो जाता है इसका, एक बूंद से काफ़ी होता है इससे, मतलब जब सर्दी लग जाए तो इससे गरारे भी हम कर सकते हैं, तो काफ़ी फ़ायदेमंद है ये। तो काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि मुझे जुकाम लग गई, छाती जम गई थी, फिर जब से मैं पानी पी रही हूँ ना, तो छाती का जो कफ है ना वो साफ़ हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो अभी मैं पीती हूँ ये पानी, और साथ में मेरी बन रही, और साथ में ना मेरा ये पुलाव बन रहा है यहाँ पे, ये मसाला बन रहा है, ये चावल है और मटर है, जो मटर का पुलाव मैं बना रही हूँ, तो आज का खाना है शॉर्टकट बन रहा है। बोलो आप दोनों क्या डिस्कशन चल रहा है, मम्मा क्या करती है? मैं बोल रहा था मम्मी छोटे, मम्मी ना नर्स थी, नर्स नहीं मम्मी ना, मम्मी स्कूल पे जाती है, आज स्कूल में नहीं आती मम्मी, तो बारी हो गया। अच्छा मम्मी जब 3 ईयर की थी तो कब करती, तब क्या करती थी? पढ़ाई मम्मी, मैं तो आप छोटे से आप बहुत पढ़ा करते हैं, फोन नहीं देख पाते और टीवी नहीं देखते आप, और इतना बड़े और रात को बड़ा कर रहे थे, और पढ़ा कर आप सो गए। और क्या, और मम्मा क्या क्या कर सकती है ट्विंकल, मम्मी क्या क्या कर सकती है और बताओ। मम्मी खेल सकती है, और मम्मी पढ़ाई कर सकती है, मम्मी खेलती भी है और आपके लिए फूड आप बना दिया। और इसमें बन रही है हमारी ग्रीन टी, ग्रीन टी में आपको दिख ही रहा होगा, इसमें अदरक है, सौंफ है, अजवाइन है, जीरा है, और जब ये उबाल आ जाएगा ना उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये गुड़ की जो शक्कर है ना ये डालूंगी, और जब इसमें उबाल आ जाएगा ना तो मैं इसमें डालूंगी गुड़, पर ये चाय मैं नहीं पीऊंगी, क्योंकि क्या है कि जो पका हुआ गुड़ होता है ना उससे मेरे दाने निकल जाते हैं, इसलिए मैं इसको पीना अच्छा नहीं है, क्योंकि कच्चा गुड़ खा लो पर ये चीज़ें पीना अच्छा नहीं होता, ज़्यादा पका हुआ ना, तो इससे मुँह में आ जाते हैं पिंपल जैसे स्कार है। अरे आ गए आ गए। एक जगह रखी भी नहीं जा रही थी और बार बार जहाँ टांग रही थी तो फिसल रही थी टाइयाँ, तो मैंने क्या करा उनमें ये कपड़ों की पिन लगा दी है। अगर आपके घर में बिगड़ टाई या किसी के यहाँ ज़्यादा रहती है तो रखने में परेशानी होती है, तो आप लोग भी ऐसे हैंगर में उसको कपड़ों की पिन से अटका सकते हैं उनको, तो बढ़िया से ये होल्ड हो जाएगी, और काफ़ी मतलब ऐसे में क्या स्टाइलिश, मतलब सुंदर भी लग रही है और रखने के लिए काफ़ी अच्छी है। अलमारी में इसको फिर हैंगर में रख दो, एक ही हैंगर में काफ़ी सारी आ जाएगी टाई, तो मैंने वैसे कर दिया, तो इसको मैं वापस रख देती हूँ। और ये हमारे यहाँ कहाँ आ गया, ये कौन आ गया, काला बिल्ला। और साथ में ही मैंने ना इन रजाइयों के ना कवर्स, रजाइयों में कवर लगा दिए हैं, तो 3-4 रजाइयां थी उन सब में कवर लगा दिए हैं,
बट अगर कभी कोई रजाई में कवर लगा है तो कोई रजाई का कवर मतलब क्या होता है इधर उधर हो जाते हैं और रजाई खट्टी होने लग जाती है, तो रजाइयों को कुछ चारों कोनों में ना एक एक दो दो टांके मार के मोटे मोटे टांके मार के रख दो, तो वो रजाइयाँ क्या इकट्ठे नहीं होंगी फिर, तो ऐसा भी हो सकता है अगर जिसकी रजाई इकट्ठी होती होगी ना तो वो चारों तरफ से उसमें टांके मार दे और उसको सिल के वो दोबारा मतलब इकट्ठी नहीं होगी, क्योंकि जो रजाई के कवर होते हैं वो जल्दी जल्दी तो हम धोते नहीं हैं, जैसे बेडशीट वगैरह धोते हैं वैसे तो हम धोते नहीं कवर, तो इससे क्या है कि रजाई में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस कढ़ाई में मम्मी बना रही है, इसमें मतलब तिल भून रही है, इसके बाद इससे तिलकुट बनाएगी, मतलब जो फास्ट होता है संकट चौथ का, तो उसके लिए तिलकुट बना रहे हैं, तो इसको फिर मिक्सी में ग्राइंड करके उसके साथ गुड़ बना के गुड़ मिला के तो लड्डू बनाएंगे, या फिर ऐसे इसको भूरा सा रख देंगे तो ऐसे में ये क्या तिलकुट बन जाएगा, संकट चौथ में तिलकुट बनता है ना, तो इसलिए मम्मी बना रही है इसे। तो सो एवरीवन, अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा दुकान में, तो जो आज का व्लॉग है वो यहीं तक था, ठंडिया काफ़ी हो चुकी है और मेरे ये स्कार्फ निकल चुका है, क्योंकि मुझे कैप से अच्छा ये स्कार्फ लगता है पहनना, क्योंकि कैप होती है ना जो उससे क्या है पूरे सिर में खुजली होने लग जाती है, और ये है तो थोड़ा मतलब शांत रहता है, और कैप बहुत भारी सी भी लगती है एक मिनट में, मतलब काफ़ी भारी लगती है, तो मैं ज़्यादातर ये कॉटन का जो साफा है ना स्कार्फ है इसका यूज़ करती हूँ। तो सो एवरीवन, जो आज का मेरा व्लॉग था वो यहीं तक था, मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, अपनी फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिए, और मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग।